किसने बोला कि कंप्यूटर ऑपरेटर का काम है, लेकिन वहाँ ये कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में ना भेज के वैकेंसी दिखाए कि कंप्यूटर ऑपरेटर है, लेकिन काम करा रहे साइबर स्कैमिंग का। वहाँ दो दिन ट्रेनिंग दे रहे हैं स्कैमिंग कैसे करना है। 2022 से ये लोग ये काम कर रहे हैं और 20 से 25 लोगों को बाहर भेज चुके हैं, साउथ ईस्ट एशिया में भेज चुके हैं और मिडल ईस्ट में भी भेज चुके हैं। लगभग 10 लोगों की सूचना है कि 10 लोग इस तरह से साइबर स्लेव बन के वहाँ पर फंसे हुए हैं। जो एक बार विदेश चला गया उन्हें बंदी बना लिया जाता है, किसी प्रकार से आने नहीं दिया जाता, तो इसने ऐसा क्या किया कि इसको वापस आने का मौका मिल गया? इसने समझदारी दिखाई, जॉब करने के नियत से कंप्यूटर ऑपरेटर का जॉब करने के लिए तैयारी कर कर पहुँचता है, मगर वहाँ जाकर देखता है तो उसे साइबर फ्रॉड की ट्रेनिंग दी जाती है। लगातार साइबर फ्रॉड के मामले बढ़ते चले जा रहे हैं और ये मामले यूं ही नहीं बढ़ रहे हैं। भिलाई से लावोस। लावोस एक ऐसा देश है जो वियतनाम और थाईलैंड से जुड़ा हुआ देश है। अब लावोस का जिक्र हम भिलाई में खड़े होकर क्यों कर रहे हैं? दरअसल बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि लोग नौकरी पाने के लालच में क्या कुछ नहीं कर रहे हैं। कोई घूस खिलाने को तैयार है, कोई पैसे देने को तैयार है, तो कोई किसी भी हद तक जाने को तैयार है, बस नौकरी मिल जाए ताकि वो अपने घर परिवार को संवार सके, घर परिवार का पालन पोषण कर सके। और इसी लालच में भिलाई 3 का एक व्यक्ति लावोस जाने के लिए तैयार हो जाता है। दरअसल उसे बेवकूफ़ बनाया जाता है, उसे कहा जाता है कि आपको आपकी क्वालिफिकेशन के आधार पर लावोस में कंप्यूटर ऑपरेटर का जॉब मिलेगा, तनख्वाह भी अच्छी खासी मिलेगी, बस उसके लिए आपको 2,00,000 रुपए देने हैं जिसमें आपका टिकट, वीज़ा और तमाम चीज़ें तैयारी की जाएंगी। और ये तैयारी करवाने वाले मुंबई के 3 शख्स। दरअसल लावोस पहुंचता है कंप्यूटर ऑपरेटर का जॉब करने के नियत से, कंप्यूटर ऑपरेटर का जॉब करने के लिए तैयारी कर पहुँचता है, मगर वहाँ जाकर देखता है तो उसे साइबर फ्रॉड की ट्रेनिंग दी जाती है। लगातार साइबर फ्रॉड के मामले बढ़ते चले जा रहे हैं और ये मामले यूं ही नहीं बढ़ रहे हैं, इसके लिए ट्रेनिंग सेंटर्स बने हुए हैं लावोस में। जैसा कि खुलासा हुआ है कि लावोस में ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे आपको साइबर फ्रॉड करना है, कैसे लोगों को बेवकूफ़ बनाना है। वो शख्स वापस लौटता है, वो शख्स वहाँ पर कहता है क्योंकि एग्रीमेंट साइन नहीं किया रहता है, भिलाई में जो मुंबई में लोग मौजूद रहते हैं जिसके माध्यम से वो लावोस गया होता है, उन पर दबाव बनाता है कि भाई मुझे वापस भारत बुलाओ वरना मैं तुम्हारे सारे पोल पट्टी, सारे कारनामे का काला चिट्ठा खोल दूंगा। इस डर से लोग उसे वापस भेज देते हैं कि भाई एक शख्स के कारण हम अपने पूरे नुकसान क्यों करें। जैसे ही वो भारत वापस आता है, भिलाई आता है, अपनी कंप्लेन दर्ज कराता है कि किस प्रकार से उसको बेवकूफ़ बनाकर दूसरे काम से लावोस ले गया गया। और वहाँ पर इतने ही नहीं और भी 25 लोग जो हैं वहाँ मौजूद हैं। पुलिस के पास खबर आई है कि 10 लोग ऐसे हैं जो वापस आना चाहते हैं, जो वहाँ पर ये काम कर रहे हैं, साइबर फ्रॉड की तैयारी कर रहे हैं, साइबर फ्रॉड सीख रहे हैं और साइबर फ्रॉड लोगों के साथ कर रहे हैं। तमाम जानकारी के लिए हमारे पास दुर्ग CSP चिराग जैन सर, उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर किस प्रकार का ये पूरा मामला। चिराग सर हमारे साथ मौजूद हैं। सर क्या कुछ पूरे केस है, क्या कुछ पूरी जानकारी है? मामला ऐसा है कि दिनांक 6 सितंबर 2024 को एक प्रार्थी ने साइबर थाना रेंज में, साइबर रेंज थाना में आके एक आवेदन दिया। उसमें उसने बताया कि उसको कंप्यूटर ऑपरेटर की नौकरी लगाने के नाम पर लाओस भेजा गया। लाओस जाने पर उसको पता चला कि उसको कंप्यूटर ऑपरेटर की नौकरी नहीं बल्कि साइबर फ्रॉड कराने के लिए वहाँ पर लाया गया है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो वहाँ पर इसी तरह से बंधक बना के रखे गए हैं, उनके पासपोर्ट भी रखवा लिए गए हैं और उनको वापस आने में बहुत समस्या होती है। इस पर्टिकुलर व्यक्ति ने साहस और समझदारी का परिचय देते हुए वो वापस इंडिया आया और उसने शिकायत की दी। और इसमें 3 लोगों का नाम सामने आया जो मुंबई के थे, 3 को पुलिस ने गिरफ्तार किया। और अभी और सूचना ये मिली है कि ऐसे लगभग 10 लोग हैं जो लाओस में फंसे हुए हैं, जो इंडिया वापस आना चाहते हैं और जिन्हें साइबर स्लेव बना के वहाँ पर रखा गया है। सर जैसे कि देखा जाता है, आमतौर हम खबरों के माध्यम से भी देखते हैं कि जो एक बार विदेश चला गया उन्हें बंदी बना लिया जाता है, किसी प्रकार से आने नहीं दिया जाता, तो इसने ऐसा क्या किया कि इसको वापस आने का मौका मिल गया? इसने समझदारी दिखाई कि इसने वो कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया और इसने पहले ही ये मतलब पहले ही समझ गया था कि ये ऐसा काम है, चीज़ें गलत हो रही है। हाँ, चीज़ें गलत हो रही हैं और वो इसने यहाँ के जो लोग थे इन्वॉल्व उनको उन पे दबाव बनाया कि आप मेरे को वापस आने का मेरा प्रबंध कीजिए, नहीं तो मैं आपका पूरा सब कुछ एक्सपोज कर दूंगा। और इसी के तहत फिर वो वापस आया। जो लोग पकड़ाए हैं उन्होंने क्या कुछ बताया, कब से वो ये काम कर रहे हैं और अब तक कितने लोगों को बाहर भेज चुके हैं इस काम से? 2022 से ये लोग ये काम कर रहे हैं और 20 से 25 लोगों को बाहर भेज चुके हैं, साउथ ईस्ट एशिया में भेज चुके हैं और मिडल ईस्ट में भी भेज चुके हैं। हमारे पास जो आई है साइबर स्लेवरी की, वो 10 लोगों की एक लगभग 10 लोगों की सूचना है कि 10 लोग इस तरह से साइबर स्लेव बन के वहाँ पर फंसे हुए हैं।
जैसे कि सर इनको किन बेसिस पे भेजा जाता था, क्या पेमेंट मिलती थी, और इन जो भेज रहे हैं शख्स उनको कितने कमीशंस मिलती थी इनको भेजने के लिए? इस पर्टिकुलर व्यक्ति ने इनको 2 लाख रुपए दिए थे, उसमें से टिकट्स और वीज़ा का भी इन्होंने अरेंज कराया था, उसके अलावा फिर वो लोग अपना कमीशन भी रखते थे। तो ये सारी जानकारी किस प्रकार से लोगों को एक जगह से दूसरे जगह काम के बहाने लेकर जाया जाता था और उसके बाद फिर दूसरे काम में झोंक दिया जाता था, साइबर फ्रॉड में झोंक दिया जाता था, और वहाँ साइबर फ्रॉड की ट्रेनिंग देकर देश भर में, पूरे विश्व भर में साइबर फ्रॉड एक जगह से बैठकर किया जाता था। जिस प्रकार से हम देख रहे हैं लगातार साइबर फ्रॉड के मामले बढ़ते चले जा रहे हैं, लोग एक से बढ़कर एक नए तरकीब निकाल के ला रहे हैं किस प्रकार से लोगों को बेवकूफ़ बनाकर उनसे पैसे ऐंठे जाए, उनसे फ़ायदा निकाला जाए, और ये सारी चीज़ की ट्रेनिंग वहाँ लाओस में दी जा रही थी। अब ये शख्स जो प्रार्थी है वो सारी चीज़ें समझ जाता है समय रहते, और कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले ही वहाँ से वापस आने का प्रबंध करना शुरू कर देता है, और वापस आने के बाद पुलिस को सूचना देने पर ये सारी चीज़ें निकल कर सामने आती है कि आखिर क्या कुछ हुआ था और किस प्रकार से ये जो धंधा है वो चल रहा है। मुंबई के 3 शख्स जो हैं वो इस प्रकार का धंधा चला रहे हैं। अब आगे इस प्रकार की सिर्फ यही एक ग्रुप है या और भी लोग इसमें शामिल है, और उन लोगों का क्या होगा जिस 10 लोगों की जानकारी पुलिस के पास है कि जो वहाँ बंदी हैं उनको भारत वापस लाने का प्रबंध किस प्रकार से किया जाएगा, भारत सरकार इसमें कितनी पहल करती है, ये सब देखने वाली बात रहेगी। बन रही हमारे साथ, धन्यवाद। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एक अंतर्राष्ट्रीय मानव तस्करी के रैकेट को जो दुर्ग पुलिस ने बस्ट किया है उससे रिलेटेड है। इसका बैकग्राउंड ये है कि 6 सितंबर 2024 को एक व्यक्ति ने साइबर रेंज थाना में एक FIR कराई, जिसमें उसने बताया कि उसको कंप्यूटर ऑपरेटर की नौकरी के नाम पर लाओस भेजा गया और वहाँ उसके साथ धोखाधड़ी हुई, और उसमें उसने आकर यहाँ पर अपराध कायम कराया, और अपराध 318(4) यानी कि 420 जो पहले IPC में था उसके तहत पंजीबद्ध किया गया, और इसमें 3 लोगों का नाम आया था जो मुंबई के हैं, साजन शेख, रफीक और एक महिला आरोपी है जिसकी आइडेंटिटी हम रिवील नहीं कर रहे हैं। तो जब हमने फर्दर तहकीकात की तो पता चला कि ये लोग एक VS एंटरप्राइजेस नाम की कंपनी चलाते हैं जो लोगों को जो एक मीडिएटर का काम करती है, जो यहाँ से लोगों को रिक्रूट करा के बाहर भेजती है, लोगों को मतलब बाहर लेजिटिमेट जॉब्स के नाम पर यहाँ से भेजा जाता है, लेकिन वहाँ जाके लोगों को पता चलता है जो लोग जाते हैं कि उनके साथ धोखा हुआ है। अधिकतर केसेस में साइबर स्लेवरी के काम के लिए वहाँ पर भेजा जाता है, वहाँ जाकर लोगों को पता चलता है कि उनको साइबर क्राइम कराने के लिए वहाँ पर लाया गया है। ऐसे जो हमारा प्रार्थी है उसके साथ हुआ ये कि उसको एक कंप्यूटर ऑपरेटर की नौकरी की ज़रूरत थी, तो उसने एक आवेदन दिया इस कंपनी को, VS एंटरप्राइजेस को, एक मीडिएटर के थ्रू। तो उसमें जब आवेदन दिया तो और एक लाओस बेस्ड कंपनी से वैकेंसी आई हुई थी कंप्यूटर ऑपरेटर की, तो आपस में कनेक्ट कराया गया। तो इस व्यक्ति को मुंबई से बैंकॉक ले जाया गया, बैंकॉक से थाईलैंड, और फिर चियांग राय थाईलैंड में ही, और फिर वहाँ से गोल्डन ट्रायंगल लाओस में। गोल्डन लिंक सर्विस ट्रेड कंपनी नामक कंपनी थी जिसमें इसको जॉब दिलाने के नाम पर ले जाया गया, लेकिन वहाँ पर इसको पता चला कि एज कंप्यूटर ऑपरेटर नाम की कोई नौकरी नहीं है, बल्कि इसको साइबर क्राइम कराने के लिए यहाँ पर लाया गया है, और उसने वहाँ पर अपने आप को फंसा हुआ महसूस किया। किसी तरह से वो वहाँ से भाग निकला और वापस इंडिया आया और उसने यहाँ पे अपराध कायम कराया। और जब इसी की कंप्लेंट के बेसिस पे हमने 3 लोगों को गिरफ्तार किया, और जब उनसे पूछताछ किया तो बैकग्राउंड ऐसा था कि VS ट्रेवल्स नाम की कंपनी मुंबई में ये लोग चलाते थे, 2022 से चला रहे थे, और जैसे वो लोग बाहर भेजते थे तो इनको कुछ कमीशन अपने लिए मिल जाता था, और जैसे ये मेनली 2 डेस्टिनेशंस पे लोगों को भेजते थे एम्प्लॉयमेंट के नाम पे, एक गल्फ़ कंट्रीज़ में भेजते थे, ओमान, सऊदी अरेबिया, UAE एक्सेट्रा, और दूसरा साउथ ईस्ट एशिया में भेजते थे, मेनली लाओस और कम्बोडिया में। का कहना यह है कि ऑलरेडी 20 से 25 लोगों को भेज चुके हैं ऑलरेडी, और इन जो मतलब ऑक्यूपेशंस जिन ऑक्यूपेशंस के नाम पर वो भेजते हैं, जनरली कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, वेटर, होटल स्टाफ, कंप्यूटर ऑपरेटर एक्सेट्रा, ठीक है, ड्राइवर के नाम पर, ठीक है। और होता ऐसा है कि जो फॉरेन कंपनीज़ हैं वो उनको अपनी वैकेंसीज़ का एडवर्टाइज़ करती हैं इन VS एंटरप्राइज को, और ये लोग एक व्हाट्सएप ग्रुप पे ये वैकेंसी डालते हैं, और वहाँ से फर्दर एजेंट्स के थ्रू जो एप्लीकेंट होता है वो इनसे कनेक्ट होता है। यहाँ तक सब कुछ सही होता है, लेकिन जब वो वहाँ पर पहुँच जाता है डेस्टिनेशन कंट्री में,
तो अक्सर ऐसा आता है कि ये लोग वहाँ फंसा हुआ महसूस करते हैं और साइबर स्लेवरी में फंस जाते हैं। अभी तक जो हमारे पास प्रार्थी आया है उसके अलावा हमारे पास लगभग 10 लोगों की ऐसी जानकारी आई है जो वहाँ पर फंसे हुए हैं और जो इंडिया वापस आना चाहते हैं, और हम उचित माध्यम से उनको वापस लाने का प्रयास कर रहे हैं। सर, ये इसमें क्लियर हुआ है क्या कि ये जो दो आरोपी जो पकड़े गए हैं ये तस्करी करते थे, कितना पैसा ये लोग लेते थे? तीन लोग पकड़े गए हैं, उसमें से दो लोग VS एंटरप्राइजेज के हैं, एक साजन शेख नाम का व्यक्ति है और एक महिला है, और जो एक तीसरा व्यक्ति है वो एक एजेंट है जो फर्दर इस कंपनी से एप्लीकेंट का कनेक्ट कराता था। हमारा अभी वाला प्रार्थी है, इससे इन लोगों ने 2 लाख रुपए लिए थे, लगभग इतना ही अमाउंट वो हर एक एप्लीकेंट से लेते थे। नौकरी के लिए लेते थे 2 लाख रुपए की उसको देने के लिए, इतने पैसे में आपको क्लाइंट दे दिया है उसके बदले में? नहीं, ये नौकरी लगाने के नाम पर उससे लेते थे। हाँ, उसके बदले अगर उसको तस्करी कर दिया जाए तो उसके बदले में उसको मिलता था क्या? हाँ, वो अभी हम उसको जांच कर रहे हैं कितना मिलता है, इनके बैंक स्टेटमेंट्स वगैरह हम अभी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, फर्दर क्लियर हो जाएगा। अभी जो आया है हमारे सामने 2 लाख रुपए इन्होंने जो हमारा एप्लीकेंट है उससे लिए थे, और उसमें उन्होंने उसका वीज़ा भी कराया था, टिकट भी कराया था और अपना कुछ कमीशन भी रखा था। तो सर, उसे वापस उसी कंपनी के लोगों ने बुलवाया था जब वो नहीं रहना चाहता था? नहीं, वो वहाँ पर उसने मतलब जैसे उसको पता चला कि तंग किया कि आपने मुझे भेजा है और यहाँ पे मुझे नहीं रहना है, तो फाइनली इनकी भी मजबूरी हो गई कि कहीं और चीज़ें ना फैल जाए, तो उस बात को लेकर इन्होंने वहाँ से संपर्क करा के इसके वापस आया। मानव तस्करी कैसे आप कह सकते हैं मानव तस्करी कैसे, क्योंकि इन्होंने भेजा है टिकट करा कर वापस भी लेके आ गया अपराधा, देखिए इसमें बेसिकली अगर हम भारतीय न्याय संहिता में मानव तस्करी की डेफिनेशन अगर पढ़ेंगे तो उसमें क्लियर उस डेफिनेशन के तहत ये पूरा है कि उसको फॉल्स इंड्यूसमेंट किया, डिसीट मतलब धोखेधड़ी से उसको वहाँ भेजा गया और वहाँ पर उससे स्लेवरी का काम कराया गया, साइबर स्लेवरी का काम कराया गया। अब तो इस तरह से अगर हम देखें टेक्निकली तो मानव तस्करी में आएगा। अब वो वापस भेजना उनकी मजबूरी बन गई थी चीज़ें, अगर तो मानव तस्करी में समझ नहीं आया सर, किसी यहाँ से आदमी को प्रोवाइड कराना, तस्करी करना मतलब वही है कि यहाँ से आदमी दूसरे जगह गलत काम के लिए प्रोवाइड करा रहे हैं। मतलब इसने बोला कि कंप्यूटर ऑपरेटर का काम है, लेकिन वहाँ ये कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में ना भेज के वैकेंसी दिखाए कि कंप्यूटर ऑपरेटर है, लेकिन काम करा रहे साइबर स्कैमिंग का। वहाँ 2 दिन ट्रेनिंग दे रहे हैं स्कैमिंग कैसे करना है, आपको सिम दिया जाएगा, आपको व्हाट्सएप में कैसे चीज़ें चैट करनी, कैसे उसको आपको उसके अकाउंट को उपयोग करना है। तो हम आपको दिखा रहे हैं कि 52 इंच का टीवी है लेकिन वो केवल डब्बा है और दिख रहा है केवल 32 इंच, माने इस टाइप की चीज़ें हैं। नहीं, वो तो फर्जी कॉन्ट्रैक्ट, हाँ, कि आपको हम कंप्यूटर ऑपरेटर के काम से ले गए और करा रहे हैं वहाँ स्कैमिंग। नहीं, ये तो फर्जी कॉन्ट्रैक्ट हो गया, लेकिन मानव तस्करी से सीधा मामला जुड़ा हुआ है, क्योंकि वहाँ पे इसने बताया कि 8 से 10 लोग और इसी तरीके से फंसे हैं जो आना चाहते हैं लेकिन उनको आने नहीं दे रहे। जैसे एक महिला भी हुई थी यहाँ पर भिड़ाई की थी, वो उसके साथ में भी ऐसी था कि कुछ महिलाओं की वो आना चाह रहे थे लेकिन आने नहीं। क्या है कि ये जो एप्लीकेंट था इसने वहाँ कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन किया था तो ये वापस आ पाया। वहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मतलब गलती से कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर चुके हैं और फिर वो वापस नहीं आ पा रहे, और उनके पासपोर्ट्स भी रखवाए जा चुके हैं वहाँ पर। साइबर स्कैम, अब देखिए जो इस तरह के केस जैसे आजकल शेयर ट्रेडिंग के नाम पर साइबर स्कैम्स हो रहे हैं, साइबर क्राइम्स हो रहे हैं, तो वो अक्सर देखा गया कि वो कैम्बोडिया लाओस में बैठे लोग ही कर रहे हैं, तो वो यही लोग हैं जो यहाँ से ले जाए जा रहे हैं, धोखे से ले जाए जा रहे हैं, वहाँ से उनसे ज़बरदस्ती क्राइम कराया जा रहा है और उनकी मजबूरी हो जा रही है कि वहाँ पे उनको करना पड़ रहा है, अपनी मर्जी से आ नहीं सकते। ये शिकायत करता था, कहाँ का था ये? ये खुद ही आया वापस आने के बाद, खुद ही इसने यहाँ पर आकर आवेदन देके एफआईआर ऐसा हो रहा है, वहाँ पे अन्य लोग भी हैं लेकिन मैं आ गया हूँ, उसको गंभीरता से लेते हुए उसके पास वीडियो या फोटोग्राफ है जो
मोबाइल में है। इनफैक्ट जो आरोपी लोग हैं उनके मोबाइल्स को भी तस्दीक किया है, उनके मोबाइल्स में भी कुछ एविडेंसेस मिले हैं हमें।